फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे हिंडाल्को के बारे में, जो कि एट ऑलमोस्ट 6% डाउन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ ये मूव कर रहा है, जो है 475। अगर आपके पास 100 रुपीज है जो आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो टुडे इज द टाइम जब हिंडाल्को का आपको 25 रुपीज या फिर 25% इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बॉटम का नहीं पता। आज मार्केट बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है एंड 17,000 के करीब मार्केट ट्रेड कर रहा है, 17,000, जिस कारण हिंडाल्को में हमने अच्छा करेक्शन देखा। 525 तक ये गया था, वहां से 500 को ब्रेक करके एट दैट मोमेंट ये 475 के करीब ट्रेड कर रहा था। इससे पहले जब हिंडाल्को के मैंने वीडियो बनाया था, एक टाइम था 400 के करीब ये ट्रेड करता था, वहां से स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, 500 को क्रॉस किया। नाउ जिस तरह का मार्केट का सेंटिमेंट है, मार्केट सेंटिमेंट बहुत ही खराब है। नॉट ओनली हिंडाल्को, ऐसे बहुत स्टॉक है जो 6-7% आज डाउन है, बट उनमें से आपको उन स्टॉक को पिक करने जो कि फंडामेंटली बहुत ही अच्छे हैं। एल्यूमिनियम सेक्टर इज अ वेरी गुड सेक्टर, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ रहा है, रिजल्ट भी तगड़े आएंगे, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। सो डेफिनेटली अगर मार्केट में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आता है, मार्केट ऊपर की तरह मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, सो डेफिनेटली ये स्टॉक सबसे पहले भागेगा, देखते ही देखते फिर से 500 को ब्रेक कर देगा। सो डेफिनेटली थोड़ा आप इन्वेस्ट कीजिए अगर बाई चांस से और गिरता है, क्योंकि बॉटम का नहीं पता। अगर 450 आता है देन 25% और इन्वेस्ट कीजिए, सो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट करते 515 के रेंज से ये स्टॉक टूटा है ऑलमोस्ट 40 रुपीज। सो 7-8% का ऊपर से गिरा है, दो तीन दिनों में भी ये करेक्शन हमने देखा है। सो डेफिनेटली एक रेंज है जहां पे इसका सपोर्ट है। सो अगर इसके भी नीचे जाता है, सो डेफिनेटली 450 देन 420 देन 400, दीज आर द सपोर्ट। बट आई डोंट नो मार्केट कितना गिरेगा। अगर मार्केट रिकवर होता है, सबसे पहले हिंडाल्को या फिर आईसीआईसीआई बैंक, जो बैंकिंग स्टॉक है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, वही सबसे पहले रिकवर करेंगे। सो डेफिनेटली 7,000 के करीब मार्केट को रुक जाना चाहिए। अगर नहीं रुकता, अगर बॉटम 16,000 पे, नो वन कैन से दैट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी हम अच्छा खासा करेक्शन देख रहे हैं। या यूएस मार्केट अगर गिरना स्टॉप नहीं करता, तो हमारे मार्केट पे रिकवर आना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। डेफिनेटली बजट से पहले थोड़ा मार्केट में भी अप्स एंड डाउन से, बजट अगर बहुत अच्छा होता है, सो डेफिनेटली मार्केट भी बढ़ेगा। बजट खराब भी होता है जिसका चांस कम है, सो डेफिनेटली इन दैट केस मार्केट बहुत गिरेगा नहीं, इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है। नाउ अगर हम सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें, 100 to 150 अगर आप इस स्टॉक के रेजिस्टेंस को देखोगे, यहाँ पे ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो सीधे सीधे 500 की तरफ बढ़ता है। बट अगर आप साइकोलॉजिकली छोड़ के टेक्निकली देखोगे, तो 480 to 490, दीज आर द रेजिस्टेंस। एंड नीचे की तरफ सपोर्ट, एज आई सेड, 473, 460, 431 एंड साइकोलॉजिकली 450 एंड उसके नीचे 400। अगर आप इस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, सो डेफिनेटली इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर हिंडाल्को इज नंबर वन कंपनी अकॉर्डिंग टू इस परफॉर्मेंस। हालांकि हिंदुस्तान जिंक जिसका मार्केट कैप उससे भी बड़ा है, हिंदुस्तान जिंक ने भी शानदार रिजल्ट डिक्लेयर किया है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। एंड नेशनल एल्यूमिनियम न्यालको जो भी 6-7% डाउन है एंड 100 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसमें भी आपने अच्छा खासा करेक्शन देखा। ये दो स्टॉक आपके रडार पे आना चाहिए। हालांकि न्यालको थोड़ा बढ़ गया था, 90 से सीधे सीधे 112-113 तक गया था, सो करेक्शन में अगर न्यालको भी आपको 90 मिले, डेफिनेटली आप स्टिल स्टॉक आपको मिस मत कीजिए। हिंडाल्को में करेक्शन और थोड़ा आ सकता है, बट डेफिनेटली बहुत नीचे जाएगा क्या पाना मुश्किल। हाँ, मार्केट अगर 1000 पॉइंट और करेक्ट होता है, सो डेफिनेटली स्टॉक्स लाइक हिंडाल्को या फिर और भी कंपनी जो 10% यहाँ से भी गिनने का पूरा पोटेंशियल रखता है, बट डेफिनेटली एक सपोर्ट के करीब मार्केट ट्रेड कर रहा है। सो अगर रिकवर करता है तो यहीं से रिकवर होगा, इसीलिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। इन दैट केस आरओसीबी 26.40 है। रिजल्ट की अगर बात करें, सो इन दैट पर्टिकुलर क्वार्टर अभी रिजल्ट नहीं आया, बट अगर टोटल रिजल्ट की बात करें, सेप्टेम्बर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, 3,470 करोड़ वर्सेस 2,787 करोड़। हालांकि मेटल कंपनीज में जो स्टील कंपनी, उनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है, जिसमें जेएसडब्ल्यूसी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, रिजल्ट वाइज परफॉर्मेंस थोड़ा खराब है। बट कंपेयरिंग टू स्टील, एल्यूमिनियम का प्राइस जिस तरह से बढ़े, जिस तरह का डिमांड है, आई डोंट थिंक सो रिजल्ट खराब होंगे। अगर थोड़ा खराब हो भी, उस पर भी स्टॉक में
करेक्शन दिया है, एंड अगर रिजल्ट यहां से अच्छा तो बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग एंड बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट भी हमको देखने को मिलेगा। सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर्स के पास 35% का स्टेक, एफआई इज वेरी बुलिश 26% स्टेक, उनके पास डीआई के पास 21%, पब्लिक होल्डिंग 18%। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वेरी गुड, जहां पे एफआई डीआई रिटेल इन्वेस्टर सभी बहुत ज्यादा बुलिश है। सो ओवरऑल डोंट मिस दिस पर्टिकुलर स्टॉक, कीप योर आई इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। मेटल सेक्टर में सबसे फेवरेट मेरा है हिंडाल्को, सो इस स्टॉक के ऊपर आप फोकस रखिए। अगर और करेक्शन में मिलते हैं सो डेफिनेटली बाय कीजिए। अगर आपके पास बहुत कैपिटल नहीं है तो वेट एंड वॉच, क्योंकि अगर नीचे गिरता है तो आप बाय कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले सकते हो 25%, और नीचे अगर गिरा तो थोड़ा एवरेजिंग करने का आपको मौका मिलेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।